शुरुआत करते हैं, है ना, आपसे शुरू करते हैं। पता है अभी आप ये बात कर रही थी ना कि किसी से बात कर लेना या मशवरा कर लेना, जी। अच्छा मैं इनको भी ये कह रही थी, मैंने कहा मुझे देखी देखी लग रही, लेकिन आप छोटी उनके जिस जमाने में मैं शो करती थी उस वक्त तो शायद आप नहीं कर रही होंगी। तो क्योंकि आई बिलीव कि वो जो कम्युनिकेशन है ना, सबसे बड़ा इशू वहीं आता है कि आप अपने तौर पे कुछ सोच कर बैठ गए, दूसरा अपने तौर पे कुछ सोच कर बैठ गया, उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसका रवैया देखा, आपने मजीद मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो वो जो आप दरवाजे बंद कर देते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन दैट। और मुझे लगता है कि मैंने जब प्रोग्रामिंग भी की थी तो मैंने शायद नेचुरली मैं उस तरफ आ गई थी, क्योंकि मुझे बचपन से आई हैड टू टॉक इट आउट। तो अब वो ये भी कई दफ़ा होता है कि जब शादी हुई ना, तो अगर लड़ाई होगी ये मियाँ से, तो अब वो मतलब उनका ही हैड अ टेम्पर, तो वो ऊँची ऊँची बोलना शुरू कर देते थे। अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करके बात करने की आदत नहीं, और कोई आपके मैकिक में भी तो होता है ना, रहन सहन ससुराल और मैकिक का डिफरेंट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा हम क्योंकि चार बहनें थी घर में, अम्मी तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन की अम्मी की आवाज़ यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, मुलाज़िम को आवाज़ देनी तो हम उठ के जाते थे अम्मी छोड़ दें। अच्छा अब्बू भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, अब मेरे मियाँ वैसे ही वॉज वेरी, वो लेकिन जब गुस्सा आता था ना तो वो ऐसे कोई वो स्कॉर्पियो ट्रेट थी ना कि वो ऐसा हो, मैं कहती नहीं कि मतलब क्या मैंने किया, क्या हुआ, क्या है, तो मुझे समझ नहीं आता था। अब मैं भी आगे से बोल रही हूँ, अच्छा अब मुझे गुस्से में ना कभी 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 क्या रोना आ जाता है, आपके शो पे तो कभी चुकी हूँ, गुस्से में रोना आता है। तो वो एक तो आप और वल्नरेबल हो गए, आपने रोना शुरू कर दिया। अब एक शख्स बोल रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आई रियलाइज कि ये कैसे कम्युनिकेशन होगी। अच्छा फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती से सीखा, चुप कर जाओ, अभी चुप कर जाओ, बाद में बात करना। अच्छा बाद में बात करने की कोशिश करती थी तो मेरे मियाँ कहते थे अब तो, अच्छा वो तो गुजर गया टाइम, अब तो मामला खत्म हो गया, हां वो दूध का उबाल था, दूध का उबाल आया, फिर वो झाग बैठी एंड ही इज फाइन। अच्छा मैं कहती थी यार मैं बटन नहीं हूँ, आपने ऑन किया और ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, आई नीड टू टॉक इट आउट। ये सबसे बड़ा इशू था एडजस्टमेंट में, मुझे बात करनी है, उन्होंने कहा अब उस चीज को दोबारा क्यों कुरेद रही हो। लेकिन फिर हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कहा कि देखें थोड़ी मेरी थोड़ी आपकी, सही, पर आई फेल्ट कि उस स्टेज पे भी आने के लिए वो कम्युनिकेशन ज़रूरी थी, चाहे ज़बरदस्ती अपनी बात सुनाया था, मैं बात कर रही हूँ मेरी बात सुने, एक बार वो अखबार पढ़े तो कहेंगे मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं उठी मैंने अखबार फाड़ दिया, यूँ मैं गई यूँ मैंने अखबार फाड़ा। फिर मैंने बाद में सोचा कि मतलब हद होती है मतलब बचपने की, क्योंकि अगर वो शख्स तैश में आ जाता फिर ये क्या बेवकूफी, ये क्या, व्हाट डिड यू अचीव बाय टेयरिंग दैट न्यूज़पेपर, सैटिस्फैक्शन है ना, कभी-कभार सैटिस्फैक्शन के लिए भी करना पड़ता है, उसके अंदर जाती थी। अच्छा वो बचपन में जैसे मम्मी डांट के ना, अगर आपने को बदतमीज गलत काम किए बदतमीजी के, तो अगर आप रो रहे हैं ना, मम्मी कहती थी बाथरूम में जाओ एक बार रोना बंद करो और मुंह धोकर फिर बाहर आना। फिर जब मुझे बहुत गुस्सा आता था मैं कहती थी, मैं जाती थी बाथरूम में, मैं अपना गुस्सा निकाल कर ठंडे पानी के छींटे मार के फिर वहाँ कहती ओके नाउ वी नीड टू टॉक, बट वी हैव टू टॉक, बट वी हैव टू टॉक। एंड आई थिंक बहुत सारी मुश्किलों से आप मिलकर निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, अगर आप बात कर लें। लेकिन वही वाली बात के बात करने का तरीका थोड़ा सा समझदारी से, यही तो समझ नहीं आता। मैं तो जब अपने मियाँ से बात करती हूँ लड़ाई के बाद तो और लड़ाई हो जाती है, वो अपनी जगह अपने आप को सही समझ रहा था, मैं अपनी जगह सही समझ रही हूँ। उसमें नहीं था, यही वाली बात है कि आपने जो बहुत मुश्किल है, और ये चीज मेरी अम्मी बहुत कहती थी कि अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, बड़ा मुश्किल होता है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना, भाई आपका अपना पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांग होता है और क्या। लेकिन अगर आप वो जो हराम मगज़ है ना यहाँ पे, जो आपका एनिमल इंस्टिंक्ट है रिएक्शन वाला, उसको जरा रोक कर रिएक्ट करने की बजाय ठंडा सांस लें और उसको प्रोसेस होने दें, यहाँ तक आने दें ना, तो फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे।